वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है। दो स्टेटमेंट है अपने पास, हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। Fe3O4 मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। सो देखो, ये तो हम लोग को थोड़ा एग्जांपल में याद रखना होता है। Fe3O4 किसका एग्जांपल है? Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक होता है, फेरी मैग्नेटिक होता है। नाउ फेरी मैग्नेटिक क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक में डोमेन्स जो होंगे, लेट्स से दीज आर मैग्नेटिक डोमेन्स, डोमेन्स जो होते हैं वो अनइक्वल नंबर में अलाइन होंगे। मीन्स यहाँ देखो, थ्री अपवर्ड है तो टू डाउनवर्ड, इक्वल नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। फोर अपवर्ड टू डाउनवर्ड, थ्री नहीं होगा, ठीक है। सो सच आर नोन एज फेरी मैग्नेटिक। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल, फेरी मैग्नेटिक में तो होता है, डोमेन्स आर अलाइंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। तो सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। Fe3O4 रिटेन्स मैग्नेटिज्म इन सॉलिड, चलता है, बट बोलता है एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन का मतलब हो गया मेल्ट हो गया। अब देखो, मेल्ट होने के बाद क्या ये फेरी मैग्नेटिक रहेगा? तो देखो, एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड। मतलब जब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो ना ही फेरी मैग्नेटिक बचेगा, ना ही फेरो मैग्नेटिक बचेगा। अब ये क्यूरी टेम्परेचर कितना हाई होता है? देखो, ये क्यूरी टेम्परेचर इज बिलो मेल्टिंग पॉइंट। पहले क्यूरी टेम्परेचर रीच कर जाएगा, सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, उसके बाद कहीं दूर जाकर मेल्ट होगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन में तो मैग्नेटिक नहीं रहेगा, मेल्ट होने से पहले ही क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। थैंक यू।